हॉस्पिटल कह सकते हैं उसे। अखिलेश जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि बच्ची के पेट से शीशी भी निकली है और कैंडल्स भी निकली हैं, संक्रमण भी फैल रहा है, इसकी सीरियसनेस डेफिनेटली काफी ज्यादा है और इसका इलाज जो है वो एक अच्छे हाईटेक आईसीयू में ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे सारे उपकरण हो, मल्टीपैरा मॉनिटर्स हो, वेंटिलेटर्स हो, पूरे डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल हो, पीडियाट्रिक सर्जन हो, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट वेल डेवलप्ड हो, कोई मेडिकल कॉलेज हो, इस तरह की सुविधा होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के बच्चे में नहीं तो कई बार ये जानलेवा भी स्थिति हो जाती है। तो इस तरह का आप इमेजिन भी कर सकते हैं, जो बच्चा 3 दिन रहा कैप्टिविटी में और इतनी उसके ऊपर और एडमिशन के टाइम पे भी जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि वो ऑलमोस्ट सेमी कॉन्शियस थी, तो ऐसे बच्चे का इलाज डेफिनेटली जो है एक ऐसे सेटअप में होना चाहिए जहां पर कि हर सुविधाएं उपलब्ध हो, और ना केवल ये सुविधाएं हो, बैकअप फैसिलिटीज भी हो, कल्चर्स की फैसिलिटी हो, माइक्रोबायोलॉजी की पूरी फैसिलिटी हो, आपके पास रेडियोलॉजी सेटअप हो, MRI CT सब करके आप अंदर की पूरी जांच पड़ताल करके गहन स्टडी करके आप इसका इलाज इस बीच एक जी शाजिया के सहन पे पड़ेगा। इस तरह के जो पेशेंट्स जो इतने ज्यादा ट्रॉमा और टॉर्चर से निकलते हैं और वो भी अपने जीवन के शुरुआती दौर में, उनका जीवन आगे काफी कष्टों से भी भर सकता है। दे कैन हैव लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आने वाले समय में। इसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि ये बच्ची जो है इसके अंदर 3-4 फैक्टर्स अब ऑपरेट करने शुरू करेंगे। एक तो इसमें गिल्ट बहुत आएगा, थोड़ा शेम की फीलिंग आएगी, और जबकि शेम तो उस आदमी को होनी चाहिए, लेकिन इस बच्ची में फीलिंग आएगी और एक एंगर की भावना आएगी कि मैंने उसका कुछ क्यों नहीं किया। तो ये जो सारी फीलिंग्स की मिली जुली, उसके बाद आने वाले समय में इसके रिश्तों पे ट्रस्ट करना किसी भी व्यक्ति के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा। फ्लैशबैक में जाके इसको ये चीजें कई बार परेशान कर सकती हैं, तो इनके इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ काउंसलिंग जैसे ये बच्ची रिकवर करती है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को भी हम इस चर्चा में जोड़ना चाह रहे हैं। और ऐसे देखो मानक, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड रेप की जो घटनाएं हैं, ये तो बहुत दुखद घटना है, एक्सट्रीम की घटना है, जो कि कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन टिप ऑफ द आइसबर्ग में इससे नीचे बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि घर घर में होते हैं, सामने नहीं आते हैं, वो सामने नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमें एक मेडिकल सोशल मुहिम चलानी चाहिए, जिसमें ना केवल की डॉक्टर्स हो गए, पुलिस के कर्मी हो गए, खासकर पेरेंट्स और टीचर्स हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए हम बहुत प्रिवेंटिव चीजें कर सकते हैं। जो भी बच्चा खासकर की 7-8 साल से छोटा है, उस पर बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए। कोई भी घर में आने वाला व्यक्ति, चाहे वो ड्राइवर है, या क्योंकि ये सब लोग बड़े इल्यूसिव, दे आर वेरी डिसेप्टिव, क्योंकि ये ऊपर से बड़े मीठे होते हैं और बच्चे के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बच्चे को अकेले ले जाने की कोशिश कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, टॉफी दे रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, उससे बहुत सावधान रहें और उसके ऊपर बच्चे की नजर रखें। इसी तरह टीचर्स भी जो हैं वो इस चीज के ऊपर खास पैनी नजर रख के चलें। और हम लोग डॉक्टर्स, मैंने पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में गत 20 वर्षों में बहुत सारे ऐसे बच्चे डायग्नोस किए हैं। बच्चा आता है पेट में दर्द लेके, बच्ची आती है पेट दर्द है, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ नहीं निकलता, वो एक पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर अंकल से डरती है, वहां जाना नहीं चाहती है। फिर हम मदर को कहते हैं कि इसको वॉच करो आप, और कई बार पता चलता है कि ये चाइल्ड अब्यूज के शिकार हो रहे होते हैं और उनको हम समय रहते पकड़ सकते हैं। तो सेंसिटाइजेशन अमंग ऑल द सेक्टर्स ऑफ द सोशल दिस थिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और मेरे हिसाब से इसकी भी आप तह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आदमी भी इस बच्ची के साथ में नजदीकियां बना रहा होगा। बिल्कुल, आप इसको गलत ले गए, मेरा मतलब घर में कोई भी व्यक्ति, कोई अंकल, कोई सभ्य, कोई एजुकेटेड, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, मेरा मतलब इससे बिल्कुल नहीं है। राहत की बात है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और चूंकि पहले राहत की बात तो सुबह आई कि बच्ची जो है अपने वाइटल्स मेंटेन कर रही है, तो जान को खतरा जो है वो लगभग टल चुका है, क्योंकि वाइटल्स मेंटेन कर रही है, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं इन्फेक्शन। दूसरी ये भी राहत है कि अगर दोबारा से करेक्टिव सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब है जो उसके वुंड्स वगैरह हैं वो प्राइमरली सारे अच्छे से सूचर हो गए हैं, और होपफुली ये बच्ची अपनी नॉर्मल लाइफ आगे लीड करेगी। लेकिन मानक, इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिसकी मैं बात कर रहा था, वो तो जीवन भर उसके साथ रहेगा, हो सकता है। देखिए बजाज मैडम ने एक चीज बहुत अच्छी बताई है कि कब देख लिया, काठी देख ली और कुछ डायमेंशन के बाद में भर्ती कर दी। सबसे बड़ी चीज ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग,
मेडिकल साइकोलॉजी के हिसाब से आपको बताऊं, जब तक हम साइकोलॉजिकल प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, उसे ये नहीं बताएंगे जो क्रिमिनल है। जैसे मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा मेडिकल साइड के, कि जनरली जो चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, वो घर या घर के आसपास ही होते हैं 90%। तो अगर ये सब फैक्ट्स हम उनको बताना शुरू कर दें, उनकी तफ्तीश में भी उनको मदद मिलेगी कि आसपास में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बच्चे के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, बच्चे को टॉफी दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन में भी। और ये जो मेडिकल साइकोलॉजी की चीजें हैं, ये एंटी सोशल बिहेवियर्स कैसे होते हैं, इनको कैसे टैकल करना है, ये कहां छुपते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डेल्ट विद द मेडिकल साइकोलॉजी। तो एक ये साइकोलॉजी, दूसरी चीज उन्हें संवेदनशीलता, हर चीज को जो भी क्राइम हो रहा है उनमें इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए सभी में, चाहे डॉक्टर हो चाहे पुलिस वाला हो, कि ये हमारे घर की बच्ची है, ये हमारे उसकी है, तो उसी संवेदनशीलता से। तो मेडिकल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और अगर ये संवेदनशीलता के साथ में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसमें डॉक्टर है चाहे पुलिस वाला है, कार्यवाही करेगा, तो बड़े सक्षम रूप से वो कार्रवाई कर सकता है और इन चीजों को हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक रीट्रेनिंग ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द पुलिस पीपल, मे बी डॉक्टर्स, मे बी एवरीबॉडी इन द सोसाइटी इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। इस मामले में अभी देखा समझा नहीं है, उसके साथ इतनी घिनौनी वारदात, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये मानसिकता समझनी भी बड़ी जरूरी है ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। तो पेरेंट्स भी जो है प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं, अगर हमने अपनी बेटियों को बचाना है, डेफिनेटली उनको बचाना है, तो हमारे को ये नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है ये किस तरह के लोग होते हैं। ये बेसिकली एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हम इन्हें कहते हैं, और इनमें किसी किस्म की कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, किसी का खून निकल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, इनके लिए इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। दे आर वेरी वेरी इल्यूसिव, ये बहुत ही चालाक किस्म के लोग होते हैं। ये आपका सर्वेंट भी हो सकता है, आपका ड्राइवर भी हो सकता है, आपका बच्चे का कोई अंकल हो सकता है, आपका कजन हो सकता है। जनरली 80-90% में ये बच्चे के नोन टू होते हैं। और पेरेंट्स खास ध्यान रखें, कोई भी अगर व्यक्ति, कोई उनका अंकल या कोई भी व्यक्ति बच्चे को प्रलोभन दे रहा है या उसके साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा है या उसे पार्क में ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर जरूर नजर रखें। अपने बच्चे के ऊपर 24 घंटे नजर रखनी बहुत आवश्यक है, स्पेशली किसी भी ऐसे व्यक्ति। और ये व्यक्ति जो है बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं जनरली, और ये अनएज्यूमिंग होते हैं, और इनके ऊपर कई बार शक भी नहीं जाता, ये पड़ोसी भी हो सकता है, जैसे इस केस में पड़ोसी था। तो पेरेंट्स को ये चीज, दूसरा क्या है कि इनके अंदर सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, और जब ये अपने शिकार को अपने पास में ले आते हैं उसके बाद में इनमें कोई भी दरिंदगी की सीमा नहीं रहती है। और इनके अंदर अगर डेफिनेटली खौफ रहता है बहुत ज्यादा कानून का और इन चीजों का, तो शायद ये अपने आप को बहुत मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से, तो संक्रमण का क्या स्तर हो सकता है? देखिए, मैंने बच्चे को एग्जामिन तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में बच्ची को शिफ्ट किया गया है, तो नेचुरल बात है कि बच्ची की कंडीशन जो है वो काफी क्रिटिकल होगी, सीरियस होगी, तभी उसको शिफ्ट किया गया है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में। दूसरी चीज ये है कि आम तौर पर जो इस तरह की छोटी बच्चियों के साथ में रेप होते हैं, उनके अंदर फिजिकल इंजरीज डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं, फिर जेनिटेलिया एरिया के अंदर काफी ज्यादा इंजरीज होती हैं, जहां से ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, और लास्ट में इन बच्चों के अंदर संक्रमण यानी कि सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, क्योंकि अगर मल मूत्र की जगह में इंजरीज होती हैं तो वहां से कीटाणु, खास करके ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, वो तमाम तरह के सेप्टिसीमिया और इन्फेक्शंस कर देते हैं, जिनसे कि ये सब फैल जाते हैं। जी, सकता है। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है और इस चीज को किसी भी हिसाब से लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, और एक मेडिको सोशल टाइप की मुहिम चलानी चाहिए। डेफिनेटली पुलिस का रोल बहुत बड़ा है, डॉक्टर्स का रोल बहुत बड़ा है, इवन हम लोगों को अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन, खासकर अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे को जागरूकता पूरी की पूरी लानी पड़ेगी। पूरी सोशल सेटिंग के अंदर अगर आप देख रहे हैं किसी का बच्चा कोई और अंकल कहीं और लेके जा रहा है, मतलब इस चीज की जागरूकता और इस चीज की सेंसिटिविटी होनी बहुत आवश्यक है। आपका बच्चा आप इस तरह से लेके चलिए, हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कि मेरा बच्चा महफूज नहीं है किसी और के साथ में, उसको पूरा शेडो कीजिए, मदर्स फादर्स, और कई बार पॉसिबल नहीं भी हो सकता, लेकिन जितनी स्थिति में पॉसिबल हो सके अपने बच्चों के ऊपर पूरी चील की आंख बना के रखिए। अपने टीचर, और इस मुहिम के अंदर केवल पेरेंट्स नहीं, केवल डॉक्टर्स नहीं, वी शुड वाइडन दिस हॉरिजॉन एंड इंक्लूड इवन टीचर्स, सोशल वर्कर्स, इन सबको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि एक सोशल मुहिम अलग से चले। और ऑब्वियसली जो सरकारी ढांचा है, सरकारी संवेदनशीलता है, और जो पुलिस की जो चीजें हैं वो भी डेफिनेटली इवॉल्विंग वे से उसको भी अच्छे से जो है बाहर आना चाहिए, ताकि इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की एक भी दरिंदगी आगे होना जो है is the wrong thing to humanity. बिल्कुल बिल्कुल।